संदर्भ केंद्र में काम करती हूँ, इसके साथ महिला आंदोलन से और अन्य कुछ आंदोलनों से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मेरा सपना ये है कि हम अपने संविधान की प्रस्तावना की तो पालना कर लें, जिसमें ये कहा गया कि इस देश में धर्म, जाति, लिंग और वर्ण जो जिसे हम रेसिज्म कहते हैं, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है आज़ादी के इतने सालों बाद आज तक औरतों को जन्म लेने का अधिकार नहीं मिला। CSR राजस्थान का इसका बहुत बड़ा गवाह है कि बाल लिंग अनुपात क्यों गिरता जा रहा है। आज के भी अखबार में है कि 10 जिलों में और ज्यादा गिर गया। तो ये क्या है, उनको बराबर मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? और दूसरी बात, मेरी सपना ये है कि मैं जब चाहूं रात में, दिन में, कभी भी शहर के किसी भी इलाके में पेक ऑफ जा सकूं। मेरे को ये डर ना हो कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा और कल को कोई मुझे इस तरह से अन्याय और शोषण का शिकार बनाएगा। घर, परिवार, समाज, कार्यस्थल भयमुक्त कैसे हो, इसका राज्य को इसके बारे में सोचना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद और अन्य मंचों पर औरतों की निर्णय में बराबर की भागीदारी कैसे हो, ये भी मेरा सपना है जिस पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। और बाकी कानून तो बहुत सारे अच्छे से अच्छे बन गए हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता, तो ये प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो, मॉनिटरिंग कैसे हो, प्रशिक्षण कैसे हो, ढांचा कैसे बने और उसके लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं है इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, इस पर राजनीतिक दलों को पर्याप्त विचार विमर्श करना चाहिए। मजबूत महिला आयोग, दलगत राजनीति से मुक्त कैसे हो, इस तरह की संस्थाएं जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई हैं, एक राजनीतिक दल के आते ही या बदलते ही क्यों उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, ये मेरे सपनों का भारत नहीं है। इसी के अलावा मैं ये भी कहती हूं कि महिलाओं को योजनाएं उनके द्वार पर जाकर दी जाएं, जो गरीब महिलाएं हैं मुनाफा कमाने का साधन ना बने, जिसको कि ये IT सेंटर्स, RKCL के और तमाम अन्य कार्यक्रमों में ये कह दिया जाता है कि वहां आके सीखे, और वहां तो कोई फायदा नहीं है, बस्तियों में जाके कौन सिखाएगा। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं उनके नाम पर भी हम मुनाफा कमाने की बात सोचते हैं। न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी का हक हम महिलाओं को से ज्यादा क्यों छीना जाता है, ये मेरे सपनों का भारत नहीं है। वहां उनको उनकी मजदूरी का पूरा दाम मिले, इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल जी, मैं एक चीज कह सकता हूँ, मैं भूल गया था उस समय, दो स्पेसिफिक सवाल हैं बहुत जल्दी इसके साथ जुड़ के। एक तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल केवल नहीं, जन संगठन भी, सामाजिक संगठन भी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी RTI के तहत आए। हम चाहेंगे जरूर कि कि आप उस प्रतिनिधि के रूप में अपने सपनों के भारत की बारीकी से व्याख्या कर दें। जी, तो जितने कम शब्दों में दूसरों ने किया है। जी जी, नहीं उससे भी कम। तो एक तो हम चाहते हैं कि सूचना के अधिकार का दायरा पूरा बढ़े, और सूचना का अधिकार का दायरा में सारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, और मैं चाहता हूं सब लोग इसका समर्थन भी करें, सामाजिक संगठन वो आए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वो आए, मतलब सारे जो धार्मिक संगठन है वो आए, ट्रेड यूनियंस वो आए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो आए, और पॉलिटिकल पार्टीज वो आए। हाँ, एनजीओस बिल्कुल, शुरुआत पहला मैंने उसी से कहा, सारे एनजीओस भी आए। तो ये हम चाहते हैं, और आप सबसे हम सुनना भी चाहेंगे। दूसरा NCPRI का सपने का भारत है कि हर सवाल, हर शिकायत, हर सुझाव का जवाब मिले, समय सीमा के अंदर मिले, और यदि उसका नहीं मिले, उसका निवारण नहीं हो, तो किसी के ऊपर दंड लगे जैसे सूचना के अधिकार में हो, इस किस्म का कानून भी बने। और हम चाहते हैं कि जुडिशरी भी अकाउंटेबल हो,
ऐसा कानून बने, क्योंकि उनकी भी जरूरत है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि पूरा भारत में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक स्थिति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया तो बहुत आवश्यक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का इसमें शामिल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मीडिया सबको खबर देता है, लेकिन मीडिया की खबर कोई लेता नहीं है, और वो जनता ले सकती है, क्योंकि राजनीति के डर जाते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो, हमारे जो जन संगठन के लोग और जो सामाजिक सरोकार के लोग हैं, उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात की। इसका मतलब कि बहुत कुछ आपके पास कहने को है, लेकिन फिर भी आप फोकस तरीके से कह सकते हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सबके सब। किसी के लिए ढोलक या घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम सोच रहे थे कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाए, हमने आपको 3 मिनट का टाइम दिया और आपने 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर ली। आइडिया ये था मेरे ख्याल, एक ताली इसके ऊपर से। बहुत सारे सरोकार इसमें से निकल के आए हैं, जो संगठन इसमें भागीदारी कर रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो NCPRI है, जो नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, और फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल, जैसा मैं बता चुका हूँ, साफ सुथरी सार्थक पत्रकारिता के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पाठशाला है, अभी स्ट्रगल कर रही है, मुझे लगता है बहुत आगे जाएगी। इलेक्शन वॉच है, जो ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच नामक संस्था है, जिसने काफ़ी झंडे गाड़े हैं भारत के चुनाव को अच्छा और निष्पक्ष बनाने में, फेयर बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। इसके अलावा सूचना और रोजगार अभियान, जिसके कि 50 से अधिक संगठन उसके सदस्य हैं, इनमें से कई संगठन ऐसे हैं जिनके जिनकी नुमाइंदगी यहाँ हो चुकी है, तो वो है। उसके अलावा फ्रेडरिक ईबर्ट स्टिफ्टुंग है, जिन्होंने कि जो कई प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जुड़े हुए चीज़ों के ऊपर काम करने वाली एक फाउंडेशन है। तो इस प्रकार कई ऑर्गेनाइजेशन साथ आए, और आइडिया सिर्फ ये था कि तू मैं नहीं करेंगे। वो जो टीवी वाली डिबेट है कि बीच में रोकना, चिल्लाना, चीखना और नंबर बनाना, वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। हम सार्थक बात, पॉजिटिव बात करने की कोशिश करेंगे कि मेरे सपनों का भारत क्या होगा। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हो। हमारे साथी मीडिया से हैं नारायण बारिश जी, अगर वो यहाँ पे हो तो उनको भी समय उतना ही मिलेगा, लेकिन चूंकि मीडिया और समाज के सेतु एक तरह से बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इस आधार पे वो अगर 2 शब्द कहें। शुक्रिया। बहसियत मीडिया, हम हैं जमहूरियत की निगहबान झट्टे कट्टे, हम भी हैं अहले सियासत के चट्टे बट्टे। मैं अपनी बात करूँ उसके पहले मैं 2-3 सवाल जो सभा में पहुंच आए उनसे पूछूंगा। एक, भारत में साक्षर बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में आपके पास क्या उपाय है? दूसरा, FDI पे आप क्या कहना चाहते हैं? और तीसरा, गैस के दाम कौन तय करेगा? इसके सवाल मेरे हैं। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अरुणा जी ने आंदोलन किया, सूचना के अधिकार के तहत हर सरकारी विभाग में एक कमेटी बनी हुई है जो निगाह रखती है कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने कोई ऐसी कमेटी बना रखी है कि उनके बीच में कोई भ्रष्ट रहेगा? क्या आज तक आपने किसी की शिनाख्त की कि उनके बीच में कोई भ्रष्ट रहेगा? क्या आपने किसी नेता को शिनाख्त करके बाहर निकाला जो भ्रष्टाचार में शामिल है? और एक अहम बात, घोषणा पत्र में 20 साल से देख रहा हूँ, 4 प्रमुख चीज़ें घोषणा पत्र में होती है जो क्रियान्वित करते हैं ईमानदारी से। एक, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, जो भी जमीन का काम करते हैं, बिल्डर्स वगैरह। 2, टोटल ट्रांसपेरेंसी, आप बाहर से देख सकते हैं कि कौन कितना ले रहा है। 3, मिडलमैन नहीं, सीधे आओ। और 4, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। ये 4 चीज़ें मीडिया हमको ये पढ़ाया गया था जब हम आए थे कि ये लोकतंत्र का 4था खंभा है, लेकिन हमारा अनुभव कहता है लोकतंत्र का 4था धंधा है। हम सबसे पूछ रहे हैं, हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। 60,000 करोड़ रुपए शाह कमीशन ने कहा कि उड़ीसा में बड़े बड़े जो बिग हाउसेज हैं वो खा गए कॉरपोरेट हाउसेज, अखबारों ने बहुत कम स्थान उनको दिया। और इतनी निराशा के बीच मुझे जो आशा की झलक दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि उत्तराखंड में एक कस्बा है खटीमा,
व नाथचंद 60 साल का आदमी दोनों पांव कटे हुए, पत्नी गरीबी से मर गई, दो बच्चों का बाहर। एक दिन चोर ने उनके घर से 17,000 रुपये नगद 50 किलो राशन चुरा लिया। ये अखबारों में छपी। अगले दिन एक गमछे में लपेटी हुई 17,000 रुपये गेहूँ चावल सब रखा हुआ और चोर ने चिट्ठी लिख छोड़ी कि नाथचंद मुझे आपकी हालत का पता नहीं था वरना मैं चोरी नहीं करता। काश मेरे देश के नेताओं का जमीर भी उस चोर। तो ये एक वानगी है और अधिकांश जगह मैं भी जर्नलिस्ट डिबेट कराता हूँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों के लोग आते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्ट है, वो कहता है ये महाभ्रष्ट है, और आम आदमी खड़ा होकर कहता है कि वैसे आप दोनों में बनती नहीं है पर ये बात एक दूसरे के बारे में सही सही कह रहे हो। इसमें सब एक है, पूरे दिन संसद में बहस होती है, 2 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और आखिर में सदन में ये कहा कि कुत्ता है, इस पर हंगामा हुआ कि संसदीय असंसदीय है, तथ्य देखे कथ्य देखे, और आखिर में ये कहा गया ऐसा कहना संसदीय है क्योंकि ऐसा बाहर तो बोला ही नहीं जाता। तो उनकी भाषा का फर्क हमारे घरों पर आने लग गया है। एक घर में चोरी हो रही थी, डकैती हो रही थी, पुलिस ने छापा मारा और एक आदमी को पकड़ लिया। उसने कहा मेरे बाहर 3 लोग और खड़े हैं। उन तीनों को पकड़ा तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई कसूर ही नहीं, हमारा तो बाहर से समर्थन था। तो जो राजनीतिक शब्दावली है उसका प्रभाव हमारे इस पर आने लग गया है। और मुझे दुख होता है, जो राजनेता है उनका मुजरिम नहीं होना चाहिए, उनकी साख से ही भारत का प्रजातंत्र बचेगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब एक मंच पर मैंने देखा नेताजी भ्रष्टाचार पर प्रहार करते करते फिसल कर गिर गए, उनके अगले दिन उठाया और कहा कोई चिंता मत करो ये वैसे उससे भी ज़्यादा गिरे हुए। शुक्रिया। नारायण जी अब यहीं विराजो, आप सब कह रहे थे तो बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, नारायण जी ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे जो लोग आए हैं उदयपुर से, बीकानेर से, जोधपुर से, बारा से, भीलवाड़ा से और कई स्थानों से, अगर कुछ मिस हो गया हो तो, और इसके अलावा महिलाओं के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, दलित सम्मान के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के मुद्दे, भेदभाव के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, गरिमा के मुद्दे, संविधान के जन्म लेने के अधिकार के मुद्दे और भेदभाव से मुक्ति के मुद्दे, इतने सारे तो मैंने मोटे मोटे तौर पे नोट किए। बाकी जो होंगे तो हम शुरुआत करेंगे अब अपने राजनेताओं के साथ में, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हमारे CPI के प्रतिनिधि, थोड़ा सा अपने बारे में एक लाइन बोलने के साथ शुरू करें और उसके बाद वही 3 मिनट की समय सीमा है, आप थोड़ा 3.5 कर सकते हैं। जवाब दे ले। मैं DK छंगाड़े भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद का सदस्य और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और जयपुर सीट से कंटेस्टेंट भी उम्मीदवार की। मैं ये सोच रहा था कि कैसा भारत हो, यह परिकल्पना तो हर एक के दिमाग के अंदर में है, पर असली सवाल उसके आगे जाकर के होता है कि भारत कैसे बनेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी का और मेरा अपना मत है